कल जो हम पढ़ाए थे और आज जो पढ़ाए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में कि तिब्बत मान सरोवर झील, बताना तुम लोग कि तिब्बत मान सरोवर झील। बी में है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का। सी में वेरीनाग जम्मू कश्मीर। और डी में अरावली श्रेणी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तिब्बत मान सरोवर झील से सिंधु नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है, क्या है सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है। तो सिंधु नदी ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में दिए हैं 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 1। तो तुम लोग के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो 3 देशों से होकर बहती है, इसका आंसर ये था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर ए काबुल है, बी में कुर्रम, सी में चेनाब और डी में झेलम है, ठीक है, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कुर्रम, ऑप्शन सी चेनाब और ऑप्शन डी झेलम। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम लोग के अनुसार, सी, कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है, चंद्रभागा, क्या चंद्रभागा, निम्न में से किस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में झेलम, ऑप्शन बी में रावी, ऑप्शन सी में चेनाब, ऑप्शन डी में सतलज। तो क्या हो जाएगा, चेनाब। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इनमें कौन सिंधु की सहायक नदी है, नहीं है, सॉरी, निम्न में सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो नहीं है, पहले सहायक वाला को छांटेंगे तो बता, झेलम नदी सहायक नदी है, चेनाब भी है, श्योक भी है, लेकिन कोसी नदी क्या सिंधु की सहायक नदी है, तो नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में,